खरगोन। पहली जनसुनवाई में शौच का डिब्बा लिए महिलाएं पहुंची कलेक्टर के द्वार। जनसुनवाई तो आपने बहुत सुनी और देखी होगी, लेकिन नए साल की पहली जनसुनवाई में हम आपको ऐसा अनूठा मामला दिखाने जा रहे हैं जिसमें योजना के सच का आईना दिखाने महिलाएं शौच का डिब्बा लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला जिले के ग्राम दसनावल का है, जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित महिलाओं ने सक्रियता दिखाई और गांव के विकास के लिए सार्वजनिक तौर पर डब्बा लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान गंभीर मामले को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव को जिम्मेदार ठहराया और उचित जांच की मांग की। उधर मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन मौका जांच करके उचित कार्यवाही की बात कह रहा है। बहरहाल नववर्ष की पहली जनसुनवाई में आया ये अनूठा मामला शासन स्तर पर किए गए दावों की प्रशासनिक स्तर पर पोल खोल रहा है, जो चिंता का विषय माना जा रहा है। एमपी यूज कास्ट जिला खरगोन से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। डब्बे लेकर यहाँ पहुँची थी कि उनके यहाँ शौचालय नहीं बना। और तहसील गोगावां के दसनाल गांव की महिलाएं थी, इन्होंने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब के नाम से, जिसमें पंचायत से संबंधित शिकायत है, शौचालय प्रधानमंत्री आवास से संबंधित शिकायतें उस ज्ञापन के रूप में इन्होंने सौंपा है। सर, जिला ODF होने के बाद महिलाएं डब्बा लेकर यहाँ कलेक्टर पहुँची थी, वो तो जाँच करने के बाद ही पता चलेगा। सर, हम क्या है, ग्राम दसनावल गोगांव ब्लॉक से आए हैं और हमारे यहाँ की सर जो शासन द्वारा जो योजनाएं जो दे रहे वर्तमान में अभी, वो सारी योजना का अभी तक हमारे गांव को शौचालय से लेके कुटीर तक, नल योजना की और जो भी स्कूल संबंधी है, सब शासकीय योजना अभी तक हमें को लाभ नहीं हुआ है। और हम लोग 2017 से दौड़ रहे हैं, ज्ञापन कई जगह दे चुके हैं, जिला पंचायत में जो कि CO को भी दे चुके हैं, ब्लॉक में कलेक्टर महोदय को भी 2-3 बार दे चुके हैं, यानी कि 13 शिकायत हमारी हो चुकी है अभी तक। अभी शौचालय संबंधी क्या समस्या है? शौचालय सर हमारे यहाँ कम से कम बड़ी मुश्किल से 10-15% बना हुआ है। अभी हम हमारे जो कुइली गांव है उसमें 36 घर के मकान है, उसमें से 6 शौचालय बने हुए, 30 ऐसे ही है। हमारा जो गाँव है, मेरे यहाँ खुद के यहाँ भी नहीं, पूरे गाँव में ऐसी स्थिति है, शौचालय भी नहीं है। और जो खरंजा संबंधी चीज़ें है, खरंजा पूरे कागज़ पे बने हुए हैं, यानी कि गिट्टी भी नहीं बिछाई हुई है। ODF कर दिया सर, उसको पूरा मुक्त कर दिया, इनाम भी मिल चुका है, वो मिलना था, वो शासन द्वारा वो सारी चीज़ें मिल चुकी है, इसलिए हमको आज आना पड़ा कलेक्टर महोदय से। लापरवाही मानते हो? ये सर सरपंच और इनके साथ में जो जुड़े हुए अधिकारी लोग हैं इनके ऊपर, और कोई बड़े, जब इतना बड़ा गबन कर रहे हैं ना, अभी तक 3 साल से जाँच नहीं हो रही, तो कोई बड़े नेता का भी हाथ हो सकता है, जाँच क्यों नहीं हो रही? क्या मांग करते हैं सर? हमारी ये मांग है कि जो भी योजनाओं का गबन किया गया है और जिन लोगों को नहीं मिला है अभी, जो नहीं मिला है उनको भी मिलना चाहिए, और जो गबन को शासन का पैसा जो गरीबों का इन्होंने जो मिल बांट के बंदर बांट करी है, इनकी पूरी जांच होना चाहिए और इनके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए और इन गरीबों का पैसा उनके हित में लगना चाहिए। शौचालय जैसे अभी ये महिलाएं जो गांव से आई हैं सभी डब्बे लेकर आई हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो सर ये हमें मैसेज, अब आप सोच मुक्त कर दिया देश को पूरा, और हमारे गाँव में आज भी महिला बुजुर्ग महिलाएं डब्बे लेके घूम रही, अभी आने वाले समय में इतनी घटना हो रही है, अभी कुछ समय पहले गैंगरेप कहीं हो रहे, महिलाएं बाहर जाती, उनको खतरा है, कभी कई बार कई घटना हो सकती है, फिर शासन पूरी लग जाती है, पूरी पुलिस प्रशासन को लगा देते, जांच पे लगा देते, और आज हमारे पास एक छोटा सा शौचालय है उसकी जांच के लिए हम 3 साल से